अधिकारियों ने जो शुभचिंतक है उन्होंने कहा कि हल्के में नहीं लेना चाहिए, हमें भी जानकारी है, अगल बगल कोई राइफल वाला मेरा साथी सहयोगी क्यों न खड़ा हो। सख्त हिदायत है कि मेरे साथ राइफल बंदूक वाले नहीं चलेंगे। मैं समाजवादी पार्टी के घोसी सांसद राजीव राय को एक पाकिस्तानी नंबर से धमकी भरा फोन आया है, जिसमें सांसद को जान से मारने की धमकी दी गई है। वहीं सांसद का कहना है कि हमको पुलिस पर भरोसा नहीं है, सरकार ने मेरी सुरक्षा भी हटवा दी है, मैं सुरक्षा की मांग भी नहीं करूंगा और आज सबको इस मुद्दे से अवगत कराने आया हूं कि कल को अगर मेरे साथ कोई घटना होती है तो कम से कम आप लोगों के पास मेरे ये साक्ष्य हैं। सुनिए सांसद राजीव राय को। समाजवादी पार्टी के सांसद हमारे साथ हैं, मौजूद हैं। सर, क्या मामला रहा पूरा, जो इतनी धमकी आपको दी गई लगातार? मुझे नहीं मामला पता पुलिस करेगी। जो ये जानता हूँ कि बेदाग हूँ, न कभी आपराधिक मुकदमे मेरे ऊपर रहे हैं, न कभी अपराधियों के साथ साठ गांठ रहा है, न मेरे आसपास कोई अपराधी दिखेगा, न मेरे आसपास हथियार लाइसेंस वाला हथियार बंद दिखेगा। बावजूद इसके साथ मेरे साथ लगातार ऐसा हो रहा है तो सरकार जाँच करे, पता करे। जिसके बाद सपा सांसद आर के चौधरी ने क्या कुछ कहा, ये आप भी सुने। समाजवादी पार्टी के सांसद आर के चौधरी जी हमारे साथ हैं। सांसद जी, सबसे पहला मेरा सवाल है कि आज जो प्रेस वार्ता हुई, उस प्रेस वार्ता में राजीव राय जी को लेकर काफी सारी बातचीत हुई, उनको धमकी दी गई, उनको जान से मारने की धमकी मिली है और उनके बेटे का भी उसमें नाम लिया गया। काफी चिंतित सांसद जी दिखाई दे रहे थे, इतने चिंतित थे वो कि उनके चेहरे से उनकी चिंता नजर आ रही थी। और जो सुरक्षा है उनको, वो सुरक्षा भी नहीं दी जा रही है और वो मांग भी नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम मांग नहीं कर रहे हैं लेकिन सुरक्षा मेरी हटा दी गई है। तो क्या लगता है कि इस तरह की जो घटनाएं प्रदेश में हो रही है, सांसदों के ऊपर ही अब हो रही है, तो कैसी रहेगी राजनीति अब प्रदेश की? देखिए, राजू राजी कमी नेता है, वर्तमान सांसद है, उन्होंने जो बयान दिया है आप लोगों सामने, तो उनकी अपनी पीड़ा है और मैं उनके बयान से सहमत हूँ। सरकार को गंभीर होना चाहिए, सरकार गंभीर नहीं है। उन्हें पहले सिक्योरिटी थी वाइस रानी की, वो हटा ली गई, इस सरकार हटाई गई, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार लापरवाही कर रही है। हम तो मांग करेंगे केंद्र सरकार के गृह विभाग से, उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग से इस मामले का अंतर ले और उनको सिक्योरिटी मुहैया करावे और ख़ासतौर से जो धमकी देने वाला व्यक्ति है उसे पता लगा के और निश्चित तौर उसे जेल के अंदर डालना चाहिए। सांसद जी, एक सवाल और है कि जितनी जो उन्होंने जीत पूर्वांचल में बड़ी जीत एक हासिल की है, तो क्या ये राजनीतिक समीकरण भी बिगाड़ने की प्रक्रिया है? भाई, अगर उनकी जीत है तो किसी की हार भी होगी, वो हार बीजेपी की है, तो बीजेपी के मुखिया वो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार बनाने में हो चाहे देश सरकार बनाने में हो, उन्हें सब पे ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्हें ध्यान देना चाहिए कि राजू राय एक सांसद हैं, एक व्यक्ति हैं, एक यूनिट हैं, उनकी सुरक्षा थी, उनकी सुरक्षा दोबारा मुहैया करा देना चाहिए। सांसद जी, अब सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से हाईकोर्ट ने आपको एक नोटिस भेजी है, उस नोटिस में हाईकोर्ट ने एक बात कही है कि आपने पीडीए और धर्म जाति के नाम पर वोट मांगा है, तो क्या कहना है इस पर आपका? ये हमारा कोई धर्म है नहीं, तो जो जगह धर्म नहीं है दूसरे के धर्म पर कमेंट क्यों करेगा, ज्यादा धर्म चकम रहते भी नहीं। जहाँ तक पीडीए की बात है, ये सही है, पी माने लोग कहते हैं पिछड़ा, और पिछड़ा वर्ग संविधान में है। संविधान का आर्टिकल 340 कहता है कि दोज हु आर सोशली एंड एजुकेशन बैकवर्ड, जो वर्ग सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा है उसे आयोग बना के पता लगाया जाए उसका पिछड़ापन कैसे दूर होगा। ये सरकार ड्यूटी है ये करें, तो इसी आर्टिकल के अंतर्गत दो आयोग बन चुके हैं, तो ये वर्ड कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो वोट मांगते समय ये वर्ड शायद इस्तेमाल किया हूँ, नहीं कि मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो ज़्यादातर किया हूँ कि बिजली पानी सड़क दूरी आर के चौधरी करेंगे पूरी, हमें इसे वोट मिला है। सांसद जी, एक बात और कहना चाहेंगे, अभी आपने बातचीत में कहा आपने कि सरकार एक तरफ नशाबंद भी करना चाहती है, दूसरी तरफ उसको लाइसेंस भी दे रही है। जिस तरह से सांसद अफजाल अंसारी का एक कल वीडियो बहुत वायरल था, जिन्होंने खुद अपना वायरल किया, मीडिया से बातचीत की, उन्होंने कहा कि एक मालगाड़ी अगर हम कुंभ में भेज देंगे तो वो भी खपत हो जाएगी। साधु संत इससे बहुत नाराज दिखाई दे रहे हैं, काफी साधु संतों के इसमें बयान भी आए, तमाम सारे लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं अफजाल अंसारी के इस बयान से, क्या कहना है? भाई, जो साधु संत नाराज हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, क्योंकि सारे साधु संत गांजा नहीं पीते, लेकिन जो साधु संत गांजा पीते हैं उनको लगा होगा कि हमारे से पोल खोल दिया,
तो साधु संत दो प्रकार के हैं, गांजा पीने वाले और गांजा न पीने वाले। तो मैं सारे साधु संत एक तरफ तो नहीं है और मैं दोनों सम्मान करता हूँ। ये सही है कि अफजल अंसारी जी का बयान व्यक्तिगत बयान है, पार्टी को लेना देना नहीं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैंने भी तमाम साधु संत देखे हैं, अच्छा बर्ताव करते हैं, अच्छी बात करते हैं और स्वर्ग की बात करते हैं, स्वर्ग की बात करते हैं, देवी देवताओं की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं, लेकिन गांजा भी पीते हैं तो कौन रोक पाएगा। सांसद जी, एक सवाल और है कि अब जिस तरह से उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, हरियाणा और जो जम्मू कश्मीर का चुनाव, उसके बाद उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है, तो समाजवादी पार्टी जो सीटें गवाई हैं अभी या सीटें जो खाली हुई हैं समाजवादी पार्टी की चुनाव में, तो क्या लगता है उस पर समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर आ रही है? हमारी तैयारी है, हम हर सीट पर कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं। फाइनली उसको देखना है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जो सीट चाहे सब चाहे कुछ, हम लड़ेंगे, सारी सीटें हम जीतेंगे। तो हमारे साथ मोहनलालगंज के सांसद आरके चौधरी जी थे, जिनका साफ तौर पर अब कहना है कि अब जो उपचुनाव है उसे हम जीतेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। और तमाम जो मुद्दे थे, चाहे वो अफजल अंसारी को लेकर हो, चाहे वो राजीव राय को लेकर हो, सभी मुद्दों पर उन्होंने प्रकाश डाला और सभी मुद्दों को अपना तरीके से उन्होंने रखा। और इनका साफ तौर पर एक राजीव राय के मुद्दे पर ये कहना है कि जो राजीव राय हैं उनकी चिंता बिल्कुल सही है, लेकिन सरकार को इनकी सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए और इन्हें जो वायु श्रेणी सुरक्षा जो इनकी हटा दी गई है वो फिर से लाकर इन्हें वापस देनी चाहिए। राजधानी लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश के साथ में स्पर्श गुप्ता, दरिद्र हिंदी।